सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट एंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन एट मियोम हॉस्पिटल कुड़गांव। आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे नेजल ऑपरेशन के बाद सावधानियों के बारे में। नोज का ऑपरेशन अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है जैसे नाक की हड्डी टेढ़ा होना, नाक में मांस बढ़ जाना, नाक में पॉलिप बन जाना या साइनसेस में ब्लॉकेज हो जाना। इस ऑपरेशन को हम लोग एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं और नाक की हड्डी जो टेढ़ी होती है उस ऑपरेशन को सीधा करने को सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। नाक के अंदर के मांस को बढ़ जाने के ऑपरेशन को हम लोग टर्बिनोप्लास्टी कहते हैं और ये तीनों ऑपरेशन कई बार एक साथ साथ समस्त ऑपरेशन किए जाते हैं एक ही टाइम पे, कई बार ये अलग अलग समय पे भी किए जाते हैं। इन सारे ऑपरेशंस के बाद हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। इन ऑपरेशन के बाद अक्सर नाक में एक फोम का पीस या फिर पट्टी रखी जाती है जिसको नेजल पैकिंग कहते हैं। आमतौर पर इस पैकिंग को अगले दिन हॉस्पिटल में डिस्चार्ज से पहले निकाल दिया जाता है जिससे आपका नाक खुल जाता है और आप नाक से सांस ले सकते हैं। शुरू के ऑपरेशन के बाद आपको नाक में थोड़ी सूजन रहती है जिससे आपको रुक रुक के सांस आएगा और नाक को आपको जोर नहीं लगाना चाहिए, नाक को आपको खींचना नहीं चाहिए, नाक को सिनकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जो अंदर घाव होता है उससे ब्लीडिंग हो सकती है और वो ब्लीडिंग कई बार तेज हो सकती है। इसके साथ साथ आपको डिस्चार्ज के समय पे कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी जैसे कि एंटीबायोटिक्स होंगे, दर्द की दवाइयाँ होंगी, कुछ एलर्जी की दवाइयाँ होंगी और नाक में कुछ डालने के लिए सलाइन स्प्रेज दिए जाएंगे। इन दवाइयों का नियमित रूप से जैसे जैसे आपको डिस्चार्ज पेपर में बताया गया है उनको आपको खाना चाहिए और आपको फॉलो अप के लिए 5 से 7 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा। जब आप घर पर जाएंगे तो आपको नरम मुलायम खाने का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए, बहुत गर्म चीज़ें या खौलती हुई चाय कॉफ़ी से आपको बचने की ज़रूरत है क्योंकि इससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। अगर कोई छींक वगैरह आए तो आपको मुंह खोल के छींकना चाहिए जिससे नाक पे जोर ना पड़े और ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी मिनिमाइज़ हो सके। इसके साथ साथ नाक से थोड़ा थोड़ा रिसाव जिसमें खून सना हुआ हो ये कुछ दिन तक नॉर्मल है, 2 से 3 हफ्ते तक लगते हैं इस रिसाव को ठीक होने के लिए ऑपरेशन के बाद। और कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं ऑपरेशन के वजह से अंदर थोड़ी सूजन होना और नाक में से म्यूकस एवं बलगम बढ़ जाना, ये टेंडेंसी भी 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को ऐसा लग सकता है कि नाक में से कुछ स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है, तो ये चीज़ भी ऑपरेशन के बाद जो क्रस्ट बनते हैं या स्कैब्स बनते हैं उनके वजह से होती है और 2 से 3 हफ्ते में ये चीज़ भी ठीक हो जाती है। ऑपरेशन के बाद हम लोग आपको 5 से 7 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं जिसमें से नाक की क्लीनिंग करी जाती है जो कि OPD बेसिस पे हो जाती है और कभी कभी हम लोग एंडोस्कोपिक क्लीनिंग भी करते हैं जिसमें नाक के अंदर के जो स्कैब्स होते हैं या क्रस्ट होते हैं उनको क्लीन कर देते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से सांस ले सकें और आपके अंदर का म्यूकस वगैरह रुके नहीं और कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी हिदायत देते हैं कि ऐसे धूल वाली जगह, मिट्टी वाली जगह, धुएँ वाली जगह जाने से बचें। स्विमिंग पूल वगैरह में आपको 2 से 3 हफ्ते तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि नाक के अंदर घाव में कोई भी पोल्यूटेड पानी से इन्फेक्शन हो सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको धूम्रपान एवं अल्कोहल वगैरह से बचने की ज़रूरत है और आपको हवाई यात्रा में कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए आपको नाक में कुछ ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत है अगर आप हवाई जहाज़ में जाना चाहते हैं। ये ड्रॉप्स अंदर की सूजन को कम कर देती हैं जिससे आपके कान पे कोई दबाव नहीं पड़ता, कान में कोई प्रेशर नहीं आता और कोई नाक से ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी भी मिनिमाइज़ हो जाती है। थैंक यू।